हमें आश्चर्य होता है, समाजवादी पार्टी की सरकार के समय कन्नौज के मेडिकल कॉलेज की चर्चा हुई। कन्नौज के मेडिकल कॉलेज का नामकरण बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम पे था। समाजवादी पार्टी के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने नाम बदल दिया। और इस बार जब मैं वहां गया था, हमारे वहां मंत्री श्री असीम अरुण ने मेरे सामने इस बात को रखा, हमने उसी दिन कहा कि नहीं, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर ही मेडिकल कॉलेज फिर से जाना जाएगा। और हम लोगों ने इस मेडिकल कॉलेज का नामकरण उसी समय वहां किया। लखनऊ का भाषा विश्वविद्यालय क्या ये माननीय कांशीराम जी के नाम पे नहीं था? क्यों चेंज कर दिया गया? ये सब समाजवादी पार्टी की सरकार में होता। दलित चिंतकों और महापुरुषों और सामाजिक परिवर्तन के बाहक उन महापुरुषों को क्या समाजवादी पार्टी ने अपमानित नहीं किया था? वो लगातार अपमानित करते थे, ये तो संविधान की अवहेलना करते थे। इन्होंने तो धर्म के आधार पर अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़ी जाति को मिलने वाले आरक्षण पर भी सेध लगाने का काम किया था। कौन नहीं जानता 2016 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, अनुसूचित जाति के नौजवानों की स्कॉलरशिप को समाजवादी पार्टी की सरकार ने रोकने का काम किया था। हम लोग इसको मुद्दा नहीं बना पाए।